बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक। उसके लिए हमने हाफ के जी लिए हैं लेग पीस, और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब हमने इसके अंदर डाल दिया लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और नमक हाफ टी स्पून। इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, इसको आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसको पकाना है। ना हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और ना ही पानी, ये अपने ही पानी में गल जाएगी। अब हम इसको पकाते हैं। ये हमने डाल दिया है इसको एक बर्तन में। अच्छा जी, अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है और कवर करके अब हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, उसको कवर करके पकाना है इसलिए कि इसके अंदर हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, कोई ऑयल नहीं डाला है। चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगी। और उसके लिए हमें ये हमने लिया है मैदा 1/2 कप, और इसमें जो है मैदे के अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और इसके साथ है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, और हमने लिया है मस्टर्ड पाउडर 1/2 टीस्पून। हमने ये तमाम चीज़ें इस मैदे के अंदर डालनी है और इसको ड्राई रखना है, इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए, इसको हमने बग़ैर पानी के डाल के जो इसको पकाया था। अच्छा, ये रानें छोटी थी, अगर आपके पास रान का साइज़ बड़ा है तो आप उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर इसको पका लें। जब ये गल जाए तो फिर इसको ठंडा कर लें। अच्छा जी, अब मैंने लिया है 1 अंडा और इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क। अंडा और मिल्क हमने मिक्स किया और इसको डाल दिया हमने चिकन के अंदर। 1 अंडा और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मिल्क डाला हमने, इसको मिक्स किया, और मैदे के अंदर डाले हमने तमाम मसाले और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको क्या मिक्स, अब हमने, अच्छा इसको पानी नहीं डालना, सूखा ही मिक्स करना है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 पीस लेग पीस, अब ये इसको हमने देखेंगे इस तरह से कोट किया। और हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसको डाल देंगे हम ऑयल में। इसी तरह हमने तमाम पीसेस डालकर इनको फ्राई कर लेना है। हमने इसको मीडियम फ्लेम, इसको देखें जी, हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम निकाल लेंगे, ड्रम स्टिक रेडी है। चिकन ड्रम स्टिक रेडी हो गई। अच्छा जी, जो इसका मैंने आपको बताया था मैदा और उसके अंदर चीज़ें मिक्स करके, जो इसका वो मैदा बचा है उसके अंदर आप आलू कटिंग करके फ्रेंच फ्राइज़ की तरह और उसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।